पता लगे हम आए हैं। तो मेले का गुब्बारा कहाँ जाता है? और ये गुब्बारा नीचे आ रहा है, फर्क क्या है? वो भी गुब्बारा है, ये भी गुब्बारा है, हवा उसमें भी भरी है हवा, लेकिन हवा कौन सी भरी है? अगर ये पता लग जाए तो एक गुब्बारा ऊपर जाता है और एक गुब्बारा, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं, कंपनी आपको भी मिली, कंपनी हमें भी मिली, एक इंसान इस कंपनी में ऊपर जाता है और एक इंसान इस कंपनी में या वहीं रहता है, फर्क क्या है? कि उस इंसान को कौन सी हवा अंदर भरी हुई है, भूख जिसको हम बोलते हैं काम। जैसे मैडम ने भी एक बात बोली संगीता जी कि सर आपको सुन सुन के हमने सीखा है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम जूम मीटिंग में मैं खाली संगीता जी या सिमरन जी के लिए स्पेशल मीटिंग देता था, देता तो मैं सबके लिए था, लेकिन सीखने की इच्छा जिसकी होगी, अपनी जिंदगी बदलने की चाह जिसकी होगी, उस इंसान की जिंदगी आप बदल सकते हैं। भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ देने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो इस बिजनेस में मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, एक साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, एक छोटा सा काम किया, और वो छोटा सा काम क्या है, मैंने अपने घर के प्रोडक्ट बदले। कौन से प्रोडक्ट? मैंने नहाने का साबुन बदल दिया, मैंने पेस्ट बदल दिया, मैंने वॉशिंग पाउडर बदल दिया, मैंने बर्तन धोने का भी आ गया हमारा, अब जैसे आया हमने वो बदल दिया, शैम्पू बदल दिया, फेस वॉश मेरी वाइफ लगाती थी वो बदल दिया, कोल्ड क्रीम फेयरनेस क्रीम जो आती थी वो सारे प्रोडक्ट ओके लाइफ के अंदर। पहले मैं कहाँ से खरीदता था? किसी और कंपनी से खरीदता, अब मैं कहाँ से खरीद रहा हूँ? ओके लाइफ से। कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम है? देखिए मैं बताऊं, अमीर बनना बहुत आसान है अगर आप ठान ले तो, लेकिन अगर आप नहीं ठानेंगे तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो मैं इस कंपनी में जब एक साल पहले आया, मैंने अपने प्रोडक्ट चेंज किए, इससे पहले मैं एक दूसरी कंपनी के अंदर था, हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी, कहीं ना कहीं आप नाम जानते हो, तो नाम लेने की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है। तीन साढ़े तीन साल मैंने भी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मेरा हाइएस्ट चेक वहाँ पे लगभग 25,000 रुपये के आसपास पहुँचा। अच्छा, 25,000 की इनकम कैसी? अगर कोई इंसान आपके पास आए और बोले कि 25,000 रुपये की नौकरी छोड़ के दूसरी जगह पर नौकरी कर लो, लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि वहाँ पर सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब बिजनेस कर लो गारंटी कोई नहीं है कि कामयाब हो गया नहीं हो, एक रिस्क है, तो आप लेना चाहोगे? लेकिन हमने वो रिस्क लिया क्योंकि हमें एक चीज मालूम थी, क्योंकि सही गलत का जब फैसला, जब डॉक्टर साहब ने कहा जब ओके लाइफ केयर को हमने शुरू किया तो हमें सबसे बड़ी चीज क्या अच्छी लगी, कि मालिक की सोच, वो हमें अच्छी लगी, और सोच से प्रेरित होकर मैंने 25,000 रुपये की आती हुई इनकम को छोड़ दिया। जब मैंने 25,000 की इनकम को छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ताने मारे, बहुत सारे लोगों ने बहुत उल्टा सीधा भी कहा, जो दूसरी कंपनी के लोग थे जिसमें छोड़ के आया या दूसरी कंपनी। शुरू में मुझे भी गुस्सा आया, मैंने जवाब दिया, लेकिन हमारी कंपनी के ओनर ने मुझे एक ही बात समझाई कि अजय जी बातों से या कमेंट से जवाब देने का कोई फायदा नहीं है, जवाब देने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को साबित करके दिखा। और हमने काम करना शुरू किया, पहले महीने का चेक मेरा यहाँ से आया 34,000 रुपये, 34,000, वहाँ पे 3.5 साल काम करने के बाद 25,000 रुपये महीने की इनकम आई। मैं जब इस कंपनी में आया था तो मैं सोच के आया था कि कम से कम 6 महीने अगर मैं काम करूंगा तो जाके मेरा 1,00,000 रुपये का चेक आ सकता है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से, हमारी टीम के जो लीडर हम जिन्होंने हमारा साथ दिया, जो पिछली कंपनी मेरे साथ थे इनके सहयोग से, और बहुत सारे लोग जो नए जो मेरी वीडियो देखा करते थे यूट्यूब के माध्यम से, उन सब लोगों के सहयोग से मेरा दूसरे महीने का चेक यहाँ से 1,00,000 रुपये से ऊपर हो गया। 6.5 साल के अंदर 1,00,000 रुपये और दूसरे महीने में 1,00,000। तो प्लान तो बढ़िया है सर, काम करना शुरू किया, लोगों ने बोला 1,00,000 इस महीने आ गया, अगले महीने नहीं आएगा, अगले महीने फिर चेक पड़ा, 2.25 लाख रुपये, फिर 2.5 लाख रुपये, फिर 3 लाख रुपये, फिर 3.5 लाख रुपये, फिर 4.5 लाख रुपये, और जहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जब पूरी दुनिया बंद थी और कहीं भी किसी को पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, लोगों के काम धंधे बड़े बड़े बिजनेस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, उसी लॉकडाउन के अंदर मेरा इस कंपनी से हाइएस्ट चेक आया जो अमाउंट था 7 लाख रुपये से ज़्यादा। और इस पूरे 1 साल के अंदर, 1 साल हम लोगों को हुआ है जिसमें से 1 साल में से तो 8 महीने एक तरीके से हमने काम किया नहीं है, काम करने में तो अब निकले। तो जब लॉकडाउन था और हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे तब 7 लाख रुपए का चेक गया है, और अभी तो हम 14 दिन के टूर पे निकले हुए, तो अगले 2-3 महीने में कितना होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस 1 साल के अंदर इस कंपनी से मुझे जो इनकम आई है वो लगभग लगभग 60 लाख रुपये। अगर आपको किसी को भरोसा ना हो तो इस मीटिंग के बाद यहाँ मेरे साथ बैठ जाना, मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाने के लिए तैयार।
अब सवाल ये आता है कि मुझे तो 60 लाख रुपए आया, क्या आप 60 लाख रुपए तक पहुंचना चाहते हैं? Yes, पहुंचना चाहते हैं। Yes, तो सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो काम आप कर रहे हो उस काम से कभी भी आपको बड़ी अचीवमेंट नहीं आ सकती। सबसे पहले इस चीज को जानना, इस चीज को स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बचपन से आपको और हमें एक ही बात सिखाई गई है, और वो बात क्या है कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी जगह आपकी नौकरी लग जाएगी, और जब अच्छी नौकरी लग जाएगी तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। कितने लोग नौकरी करते हैं आप पढ़ रहे हैं? आप खड़ा रखे, अब वो लोग हाथ ऊपर रखें, वो लोग हाथ नीचे कर लें जिनकी जिंदगी सेट हो चुकी है। नहीं होता, वो लोग हाथ नीचे कर लें जिनकी जिंदगी सेट हो चुकी है, अब कुछ नहीं चाहिए। फिर सेट तो उसी को बोले ना, सेट ड्रीम। देखिए बुरा मत मानना सर, बुरा मत मानना। मैं एक मीटिंग में बैठा था तो एक मीटिंग में स्पीकर ने बोला कि खाने पीने का जुगाड़ तो सड़क पे घूमता हुआ जानवर भी कर लेता है, है ना। बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमारा जो जन्म ईश्वर ने दिया है ना वो खाना पूर्ति के लिए नहीं दिया। ईश्वर ने आपको अतः जो है ना बहुत सारी ऐसी शक्तियां देके भेजा जिसका हम उपयोग ही नहीं करते। तो मेरा मानना यह है, मेरा पूछना यह है कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपके ड्रीम, क्या आपके सपने कभी पूरे हुए? अभी नहीं हुए। जरूरतें तो देखो, जरूरत इच्छा के लिए तो आपको ज्यादा कुछ एक्सपर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और कई बार किसी इंसान को बहुत समझाने के बाद भी वो इंसान ये बोल देता, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट। तो कई बार हम ये कहते हैं कि यार हम अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, तो मैं उस आदमी को कहता हूँ भाई तू तो संतुष्ट है, लेकिन घर में जाकर अपनी वाइफ से पूछ क्या वो संतुष्ट है। तो वाइफ का एक ही जवाब आएगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ आदमी के साथ शादी होने के बाद। आज तक इतने सारे करवा चौथ हो गए, मुझे बढ़िया सी साड़ी तो दिलवा नहीं पाए। यह हकीकत, आप अपनी वाइफ को घर में जाना, ओके लाइफ के बाद में कर लेंगे, आज घर में जाने के बाद एक बात पूछना कि जब तू शोरूम के अंदर जाती है और शोरूम के अंदर जब तेरे को बहुत अच्छी साड़ी या लहंगा पसंद आता है जो सबसे बढ़िया होती है, क्या आज तक तू खरीद पाई है? तो एक ही बोले कि नहीं। जो आपकी वाइफ को आज तक जो साड़ी और सूट पसंद आया है वो आज भी उसी शोरूम के अंदर एक स्टैचू लगा हुआ है, उसे उस स्टैचू ने पहन रखा जो आज तक नहीं है। आप अपने बच्चों से पूछोगे तो वो भी संतुष्ट नहीं है, आप अपने पेरेंट्स अपने माँ बाप से पूछोगे तो वो भी संतुष्ट नहीं है। खाली मेरे संतुष्ट होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा एक परिवार है, उन सबका संतुष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और संतुष्टि कहां से मिलती है साहब? इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसा। पैसा अगर आपके पास है, आपका रिश्तेदार आपका है, आपका दोस्त आपका है, आपका पड़ोसी। और पैसा अगर आपके पास नहीं है तो रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी सब मुंह मोड़ देते हैं। यस या नो? अब पैसा कमाने के रास्ते कौन कौन से हैं आपके पास? इस दुनिया के अंदर दो रास्ते हैं मेन। पहला रास्ता क्या है? नौकरी कर लीजिए। दूसरा रास्ता बिजनेस कर लीजिए। और नौकरी जो करते हैं तो नौकरी से जो मैंने देखा है, मैंने जो चीज महसूस किया वो आपको महसूस कराना चाहता हूं, क्योंकि जब तक वो महसूस नहीं करोगे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। क्या ही लोग इसी भरोसे पे बैठे हैं कि नौकरी करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे, एकदम करोड़पति बन जाएंगे? अगर ऐसा होता तो नौकरी तो मेरे पिताजी कर रहे थे, तो करोड़पति उनको बन जाना चाहिए था। नौकरी से क्या होता है? नौकरी से सिर्फ आपकी छोटी मोटी जरूरतें, छोटी मोटी इच्छाएं पूरी होती हैं। और नौकरी करते करते एक इंसान अपना पेट काट के, बुरा मत मानना, आपके माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने बहुत अपना पेट काटा है तब हमें पढ़ाया, अपने शौक पूरे नहीं किए उन्होंने। मैं आज भी ऐसे माँ बाप को देखता हूँ जिनके पास खुद का कीपैड का फोन होगा लेकिन अपने बच्चे को टच वाला दिलवाते हैं। वो खुद दो जोड़ी के अंदर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। वो खुद साइकिल और स्कूटी पे घूमते हैं लेकिन अपने बच्चे को अच्छी सी बाइक दिलवाते हैं। तो एक नौकरी में इंसान क्या करता है? अपना पेट काट काट के, काट काट के, काट काट के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी के अंदर अपनी एक छत बना के चला जाता है। ये भी पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, आज के टाइम पे तो छत बनना भी। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की और बहुत बड़े बड़े मकान बना के चले गए। आज उस मकान में उस पिता के 4 बेटे हैं और वो बहुत बड़ा मकान बना दिया उन्होंने 100-200 गज का। वो 4 बेटे पैसा कमा रहे, उन 4 बेटों के पास इतना पैसा नहीं है कि उस मकान को नीचे से ऊपर तक पेंट करा। पिताजी ने तो मकान बना दिया। पुराने टाइम और आज के टाइम में बहुत फर्क है। और अभी डॉक्टर कुमार गौरव झा एक बात बोल रहे थे कि कोरोना टाइम के अंदर ये जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, ये आपको और हमें समझना पड़ेगा। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इसमें एक बात आपको और समझनी है। वो बात क्या है? वो बात है कि कोरोना आपको एक चीज और सिखा गया है कि कोरोना इसलिए आया था कि भैया अगर जिंदगी में सेविंग्स अगर आपने नहीं की है ना, और जिंदगी में कोई एक्स्ट्रा काम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कल को कोरोना का कोई दूसरा भाई भी आ सकता है। ये भी सीख देने के लिए कोरोना हमारे पास आया है। अगर इतना बड़ा विकराल रूप लेके जो कोरोना आया है उसके बाद भी आप सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ के अंदर, तो कल को अगर दोबारा कोरोना जैसा कोई भाई आ गया तो क्या करें?
तो मुझे कोरोना में क्या समझ में आया कि हमें ऐसा काम करते रहना चाहिए कि कल को कोरोना अगर 2 साल के लिए भी आ जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो आपके पास इतना पैसा हो कि आपकी जिंदगी सही सलामत चलती रहे, ऐसा काम आपको करना पड़े। तो नौकरी से कभी अमीरी नहीं आ सकती। नौकरी की कहावत हमारी डायरेक्ट सेलिंग में बोली जाती है, आपने कई बार सुनी होगी कि नौकरी की कहावत है कि भूखा तो मरने नहीं दूंगी और तरक्की कभी जिंदगी में करने सिर्फ खर्चा पानी चलता रहे। तो नौकरी का तो ऑप्शन आप हटा दीजिए, नौकरी से सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी होंगे। एक इंसान पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद ना चाहते हुए उसको रिटायर कर दिया जाए, ना चाहते हुए उसको रिटायर कर दिया। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आज पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कोई उनको नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो गारंटी है, जिस दिन आपकी उम्र 54 साल से ऊपर हुई और 50 साल से ऊपर हुई, जहां पर आप नौकरी कर रहे हो वहां से नमस्ते हो, वहां से बोलेंगे भाई साहब नमस्ते, अब आपको विदा किया जाए। और अच्छी जगह अगर जॉब करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपके लिए फेयरवेल पार्टी रखी जाती है और वहां पे ढोल नगाड़े बुलाए जाते हैं, अच्छी सी शॉल आपको पहनाई जाती है, फूल माला पहना के, और फिर रोड पे आपको ऑफिस से निकाला जाता है और आपके घर तक छोड़ा जाता है। कल कर लेंगे, कल जोड़ लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी बैठ गया यूं हाथों में, जैसे ऐसा है या नहीं? हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि जवानी का खाया हुआ बुढ़ापे के अंदर काम आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापे में खाएंगे बादाम, जब दांत नहीं होंगे तब खाएंगे बादाम। आज हमारी माता जी के दांत नहीं है, बादाम देते हैं, खा ही नहीं सकती। जवानी में खाया होता तो दांत भी रहते और शरीर भी ठीक रहता। सेम जवानी में किया हुआ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क बुढ़ापे तक काम आता है, लेकिन हमारा समय ऐसे ही। तो नौकरी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना सर। तो अपना पूरा का पूरा बोझ वो इंसान क्या करता है, फिर अपने बच्चे के ऊपर लाद देता है, बेटा तू समझ। अमीर इंसान अगर आप बन सकते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस से बहुत सारे लोगों को लखपति करोड़पति अमरपति अरबपति हमने बनते देखा है, लेकिन बिजनेस आप और हम नहीं कर सकते। उसके पीछे के रीजन क्या है, क्योंकि आप और हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए हैं। और वो कमी क्या है, आप और हम जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकते। आप और हम जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकते, हमें रिस्क लेने से डर लगता है, हमें रिस्क लेने से डर लगता। बिजनेस से आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन बिजनेस में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये सारी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज कभी ना कभी किसी ने मुझे बताई थी और मेरी समझ में आई तो मेरी जिंदगी बदल गई। बिजनेस में सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको, पैसा। वो आपके पास है क्या, तो काटा मार दो। अब पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, या माँ बाप से कहीं से ले लेते हैं। अब पैसा ले लिया तो दूसरी चीज क्या चाहिए, जगह चाहिए, या तो किराए की या फिर अपनी। फिर जिस चीज के बारे में आप काम करना चाहते हो उसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं होता तो हिंदुस्तान के अंदर पहले ही साल में अगर 100 बिजनेस खुलते हैं उसमें 70 बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। बिजनेस खोलना और बिजनेस को चलाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, पेशेंस रखना पड़ता है। पैसा चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है, हार्डवर्क चाहिए होता है, टाइम पूरा लगाना पड़ेगा, रिस्क पूरा लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस आए उनको झेलना पड़ेगा, जीएसटी आए तो भी और नोटबंदी आए तो भी। जीएसटी और नोटबंदी ने बहुत सारे बिजनेस को बंद कर दिया, ऐसा कौन सा टैक्स फिर आ जाएगा आपको रेवेन्यू। तो दूसरी बात, आप और हम बिजनेस भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसा ही हमारे पास उतना नहीं है, तो हमारे तो अमीर बनने के सारे रास्ते बंद हो गए। तो दुनिया के बहुत एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक बार बोलते हैं कि अगर कोई भी लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति जिसके पास पैसा भी नहीं है, नौकरी से तो आप अमीर बन नहीं सकते, छोटी मोटी दुकान से आप अमीर बन नहीं सकते, बड़ा बिजनेस आप खोल नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, फिर एक गरीब आदमी के पास पूरी दुनिया के अंदर कौन सा रास्ता बनता अमीर आदमी अमीर बनने का, तो एक ही रास्ता उन्होंने बताया, वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, वो रास्ता है यानी कि इस काम से आप अमीर बन सकते हैं। अब जब ये हम काम समझाने के लिए आपके पास आते हैं, कल हम यही काम समझाने के लिए लखनऊ में थे और लखनऊ में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग थे, बहुत बढ़िया 5-स्टार प्रॉपर्टी पे हमने लोगों ने एक प्रोग्राम किया जिसका ऑलरेडी टिकट था 700 रुपए का टिकट था, 100 लोग सुनने के लिए आए। उसमें हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट भी था 5-स्टार होटल के अंदर, दिन का आपका लंच भी था और शाम का भी टी स्नैक्स वगैरह था। तो जो लोग वहां पे आए उन्होंने कहा सर जितना पैसा लिया उससे ज्यादा का तो खिला दिया आपने यहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे दिन की उनको हमने ट्रेनिंग दी। और वहां पे एक व्यक्ति आए, पैसा तो बाद में समझ लेना, वहां पे एक व्यक्ति आए वो बता रहे थे कि अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं वो, और रास्ते से जा रहे थे एक दिन अपने स्कूटर से या बाइक से, एक रोड पे सांड आया और सांड बड़ी स्पीड से आया और उनको टक्कर मार दिया।
अच्छा ये हादसा आपके और मेरे साथ भी कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो वीडियो भी है ना, है ना? हाँ वीडियो भी है हमारे पास, अभी हम अपलोड करेंगे उसको। तो सांड उनको टक्कर मार के चला गया और वो अनकॉन्शियस हो गए। सांड की टक्कर कैसी होती है आपको मालूम ही है, ठीक है? और वो जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरने के बाद खून वून निकला उनके सर से और काफी ब्लड आया। भगवान की कृपा से वो बच गए, उनको हॉस्पिटल लेके गए, काफी उनका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद जब उनको होश आया तो होश आने के बाद वो किसी को नहीं पहचानते, कोमा में चले गए, कोमा में चले। तो गवर्नमेंट जॉब थी तो कम से कम उनकी जो भी सैलरी वैलरी आती रही, लेकिन जो प्राइवेट जॉब वाले हैं अगर आपके हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या। बहुत ट्रीटमेंट उनका चल रहा था पिछले एक सालों से, बहुत एलोपैथी की दवाई दिलवाई गई, डॉक्टर्स को खूब पैसा दिया गया, सबको पहचानना बंद कर दिया, कहीं स्कूटी छोड़ी आते थे सब कुछ भूलना उन्होंने शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू किया, लेकिन भूलने की बीमारी उनको बहुत ज्यादा। हर जगह से ट्रीटमेंट हो रहा था और ये लगा लीजिए कि ये भी हालत होती थी कि वो कई बार चल भी नहीं पा रहे थे, मतलब पिछले एक साल से तकरीबन बताऊं तो बेड रेस्ट पे थे। और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है बच्चे से अच्छा जो उनका इलाज ना करे। और कुछ ऐसी आर्थिक स्थिति हो गई थी, वो बता रहे थे कि मेरे को घर से भी निकाल दिया गया, लोग संभाल नहीं पा रहे थे उनकी आर्थिक स्थिति को और उनको घर से भी निकाल दिया। लेकिन हमारे जैसा कोई मित्र उनको मिला और उन्होंने ओके लाइफ केयर के बारे में बताया, उनको तीन प्रोडक्ट रिकमेंड किया हमारे ओके लाइफ केयर के, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो एक साल से एलोपैथी के डॉक्टर नहीं कर पाए, जो एक साल से एलोपैथी की दवाई नहीं कर पाई, वही काम हमारे तीन सप्लीमेंट में मात्र 15 दिन में कर दिया। कल वो इंसान चल के एमओसी अटेंड करने के लिए, हम पैसा ही नहीं कमा रहे यहाँ पे, हम दुआएं भी कमा रहे हैं। और कल वो मुझे भगवान बोल रहे थे वहां खड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैंने तो आपके लिए कुछ किया भी नहीं, प्रोडक्ट भी किसी और ने बताया, लेकिन उन्होंने बोला सर उसको तो कहीं ना कहीं आपने जुड़ा ना अपने टीम के। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें बिजनेस क्यों समझ में नहीं आएगा, आपको बिजनेस क्यों समझ में नहीं आएगा, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता है। और मैं अपनी हर मीटिंग में बोलता हूँ कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक है समझदार और एक है ज्यादा समझदार। और अगली लाइन में अपनी मीटिंग में बोलता हूँ कि समझदार बने रहिए, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा समझदार आदमी जो भी आपको मिलेगा जो कहेगा मैं सब जानता हूँ तुम मुझे क्या बताओ, है ना, मैंने दुनिया देखी है, दो तीन डायलॉग सुने होंगे आप, किसी को भी कुछ बताने जाओगे तुम मुझे बताओगे, मैं तो दुनिया देखी है मैं सब कुछ जानता हूँ। जो इंसान ये कहता है तुम मुझे बताओगे, जो इंसान ये कहता है मैंने दुनिया देखी है, जो इंसान ये कहता है कि मैं सब जानता हूँ, आप उस इंसान से बोलना एक चीज की भैया अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दे, बैंक बैलेंस दिखा जरा, बैंक बैलेंस क्या होगा, बैंक में पैसा नहीं, वो इंसान क्या बोल रहा है मैं सब जानता हूँ, कहीं आप ऐसे तो नहीं है। अगर आप ऐसे हैं कि मैं सब जानता हूँ तो मैं तो छोड़ दो, ऊपर से भगवान भी आ जाए वो भी नहीं समझा। मुझे इस बिजनेस में क्या समझ में आया, डॉक्टर साहब को इस बिजनेस में क्या समझ में आया कि यार हम जो काम कर रहे हैं कल को ये काम करते करते भगवान ना करे अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। मैं अच्छा खासा मोटिवेशनल स्पीकर का काम किया करता था, एक सेमिनार में एक घंटा बोलने का 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए चार्ज किया करता था, महीने में 4 सेमिनार मिल गए तो 4,00,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गया, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल चल रही। लेकिन मीटिंगों में जब हम जाते थे, सेमिनार में हम जाते थे, हम खुद ये बता देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या देती है, बाइक फ्रीडम देती है, डायरेक्ट सेलिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, डायरेक्ट सेलिंग आपको फैमिली सिक्योरिटी देती है। और मैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़ चुका था, फिर अचानक मुझे ध्यान आया है तो फैमिली सिक्योरिटी करता रहता है, दुनिया को समझा के तू दूसरी कंपनियों के अंदर जुड़वा रहा है, कल को भगवान ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी तो इनकम खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे जैसा मेरी वाइफ तो बोल नहीं सकती, मेरा बेटा तो बोल नहीं सकता, तो मेरा करियर तो खत्म हो गया। यानी कल को अगर मैं नहीं रहा तो जो इनकम मुझे आ रही है उससे जो मेरे परिवार का खर्चा चल रहा है, अगर मैं दुनिया को छोड़ के चला गया तो क्या होगा, वो जो इनकम है वो इनकम आनी तुरंत बंद हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप करते हैं, टीम अगर आप बनाते हैं, भगवान ना करे कल को आपको हमें कुछ हो जाए, आप और हम दुनिया में ना रहे लेकिन वो टीम जिंदा है, वो टीम काम करती रहेगी, वो टीम सामान खरीदती रहेगी, आपके अकाउंट में आपके परिवार को पैसा जाता है। ये चीज मुझे समझ में आई और मैंने सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू किया। तो समझदार बनिए, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो पहाड़ थोड़ी तोड़ने, पहली चीज इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी मुझे क्या लगती है, पहली चीज जो मुझे इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी लगती है वो ये लगती है कि इस बिजनेस को करते समय आपको अपना प्रेजेंट काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं। करना क्या है, आप जो पैसा कमा के लाते हैं उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं, साबुन तेल शैंपू किसी परचून की दुकान से लाते हैं, बस करना क्या है वो सामान वहां से ना लेके वो सामान आप कहां से लेना है, ओके।
हाँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। वो दिक्कत परेशानी क्या होगी वो आपको उठानी पड़ेगी। वो दिक्कत परेशानी ये होगी कि आपका जो परचून का सामान है, हो सकता है घर से बाहर निकलते ही बराबर वाली दुकान पे मिल जाए, लेकिन ये सामान आपके घर से थोड़ी सी दूर मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि इतने दूर में नहीं जा सकता, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। लेकिन कोई इंसान अगर शराब पीता है और शराब का ठेका अगर 3 किलोमीटर दूर है तो बहुत है ना, शराब लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर चला जाए। तो ये क्या है, ये माइंडसेट की बात है। अब क्यों वो सामान लेना है अगर थोड़ी दूर दुकान है, क्योंकि हमारे सिस्टम की दुकानें हर गली मोहल्ले में नहीं होगी, आपको मार्केट में सामान नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीजन जैसे कि अभी आपको सिमरन जी ने बताया कि मैन्युफैक्चरर होता है, कस्टमर होता है, उसके बाद बिचौलिए होते हैं, सी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर से होता हुआ सामान आपके पास मार्केट में आता है। 30 रुपए की चीज बनके चलती है, आपके हमारे तक आते थे वो चीज 100 रुपए की हो जाती है, 70 रुपया आपकी और हमारी जेब से निकल के उनकी जेब में चला जाता है। ऐसे ही होता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ओके लाइफ केयर क्या है, वो जो बिचौलिए यहाँ पे हटा दिए गए। कंपनी सामान बनाती है, हमारे सेंटर पे आता है, हमारे सेंटर से आप लोगे तो ना यहाँ CMF है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना होलसेलर है, ना रिटेल शॉप है, ठीक है। सेंटर वाले कमीशन कंपनी अलग देती है अपना मार्जिन निकाल के। तो जो 70% पैसा बच गया तो 70% पैसा आपके हमारे बीच में। मुझे डायरेक्ट सेलिंग पर्सनली क्यों पसंद है, पहला कारण कि इसमें अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण जो मुझे पसंद है वो है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब आप जुड़ते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 100% ओरिजिनल क्वालिटी का मिलता है। अभी YouTube पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, कोलकाता के एक छोटी सी गली के अंदर जितने भी ब्रांडेड लिपस्टिक हैं या नेल पॉलिश हैं उसकी फैक्ट्री पकड़ी गई। आपने बहुत देखा होगा YouTube, Facebook के ऊपर, WhatsApp के ऊपर बहुत सारी वीडियो अलग मतलब बंगला लैंग्वेज के अंदर वो वायरल हो रही है, न्यूज चैनल वालों ने पकड़ा है। ऐसा कोई ब्रांड नहीं था इंडिया का जो लिपस्टिक उस गोदाम के अंदर बैठ के ना बना, और वहां पे देखा गया कि जो लिपस्टिक है, जो नेल पॉलिश है, उसको कलर डालने के लिए जो गाय होती है या जो भैंस होती है उसके मरने के बाद जो ब्लड होता है वो ब्लड मिक्स करके उसमें डाला जाता है। अब ऐसी लिपस्टिक जिसके अंदर चर्बी भी मिली है, जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, वहां पे भी माताएं बहने उसको। अभी मेरठ के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरठ के अंदर अभी एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसके अंदर ब्रांडेड प्रोडक्ट के, ब्रांडेड कंपनियों के मसाले पकड़े गए। MDH कंपनी वाले हैरान हो गए उस पैकिंग को देख के कि असली कौन सा और नकली कौन सा है। और हैरानगी सबसे ज्यादा जब हुई जब अंदर जब गया मीडिया तो वहां पे देखा गया बोरे रखे हुए थे, और उन बोरों को जब खोल के देखा हुआ आपको थोड़ी सी हीक भी आएगी जैसे अभी मैडम को आ रही थी, कि उन बोरों के अंदर ना गधे का गोबर था और उसको सुखा रखा था। तो पूछा उसको पकड़ के इसका क्या करते हो, आप न्यूज में देखिए, आप यूट्यूब पे डाली है आपको नजर आ जाए, तो उसमें बताया गया कि वो गधे का गोबर सुखाने के बाद जो धनिया पाउडर होता है उसमें मिक्स करके डाला जाता। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त की, जो धनिया आप लेके आ रहे हैं मार्केट से किसी ब्रांड का तो हो सकता है कि वो गधे का गोबर कभी हमने खाया। इसी कारण से जब कई बार हम ओके लाइफ के मसाले किसी व्यक्ति को देते हैं तो कहता है इसमें वो मजा नहीं आ रहा। भाई मजा कैसे आएगा इसमें गधे का गोबर समझा रहे बता रहा हूँ आप, मजा क्यों आएगा जो गधे के गोबर में आएगा वो भैया। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर जितने भी दुकानदार होते हैं, बिचौलिए होते हैं, ये अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए डुप्लीकेट सामान बना के बेचते हैं। ये आज से नहीं चल रहा है, सालों से चल रहा है। कोलगेट कंपनी का खुद का स्टेटमेंट है कि हमारा खुद का कोलगेट 60-65% मार्केट में नकली बिकता है, नकली बिकता है। कई बार आप पेप्सी पीते हैं वो मजा आता ही नहीं है क्योंकि पेप्सी ओरिजिनल होती नहीं है। अभी अलीगढ़ के अंदर एक घी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वहां पे जंगल के अंदर वो घी बना रहे थे बड़े बड़े ड्रम, पूरा आज तक के ऊपर आधा घंटे की न्यूज आई थी, सारा जो जानवर की चर्बी उससे पिघला पिघला के घी बना रहे। तो मुझे पर्सनली ओके लाइफ केयर में आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्या पसंद आया कि यहाँ पे मैं एश्योर हूं कि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर मुझे मिल रहा है वो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है। जो कंपनी से क्वालिटी बनकर चलती है वही मेरे घर पे आती है, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। और जिस सेंटर पे हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है कंपनी से, तो सवाल उठता है वो सेंटर वाला नकली बना के बेच सकता है, नहीं बेच सकता, क्योंकि सेंटर वाले के पास अगर 500 पेस्ट आए हैं, 500 मसाले आए हैं, धनिया पाउडर आए हैं, तो उसके पास एक कंप्यूटर है जो कंपनी ने फीड करके भेजा है कि 500 का ही बिल काट सकते हैं। अब वो 500 खत्म हो गए, आप लेने के लिए गए, अब हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब वो नकली देने की भी कोशिश करेगा तो प्रोडक्ट तो नकली दे सकता है लेकिन बिल है ही नहीं उसके पास, और बगैर बिल के आप प्रोडक्ट लोगे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे 100% एश्योरिटी है कि हमारे को 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। और तीसरी चीज जो मुझे यहाँ पे समझ में आई, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर समझ में आती है, मार्केट में जब दुकान पे मैं सामान खरीदने जाता हूँ तो मेरे को सारा सामान MRP में मिलता है,
कई बार मैं दुकान पे जाता था तो भाई साहब नहीं होते थे दुकान वाले, वो अपनी बीवी को बैठा के चले जाते थे। मैं कहता था वो साबुन देना कितने का है, उठा के देखती थी एमआरपी पर, देखा कितने दे, ऐसी तो होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दुकानदार से, जिस पड़ोस की दुकान से आप सामान खरीदते हो, 1000 रुपए का सामान खरीद के लाते हो, तो तकरीबन 200 रुपए उसी वक्त कमा लेता है वो आपसे, और आपने कभी आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ। और देखे आ जाते हैं हम लोग कि उसका तो अधिकार है, क्यों अधिकार है। डायरेक्ट सेलिंग में एक सवाल पूछता हूं सब लोगों से, आपसे भी पूछता हूं, कंपनी ने सामान बनाया समझ में आया, ग्राहक ने सामान इस्तेमाल किया समझ में आया, बीच वाले क्या कर रहे हैं? ना वो सामान बना रहे हैं, ना वो क्वालिटी अच्छी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ सामान को आगे सरकार है और सबसे ज्यादा मार्जिन वो कमा रहे हैं। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, आप बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के लाए और उस पैसे को कमा के आप खर्च करते हैं। जैसे ही पैसा आपने खर्च किया, दुकानदार ने पैसा कमाया, होलसेलर ने पैसा कमाया, सीएनएफ ने पैसा कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा कमाया, कंपनी ने पैसा कमाया, होलसेलर ने पैसा कमाया, आपने क्या कमाया? लेकिन उन सबको जो इनकम दे रहे कौन दे रहे? अब करना क्या है, जो इनकम उनके घर में जा रही है वो इनकम आपके और हमारे घर में। और नेक्स्ट जो चीज मुझे यहाँ पे समझ में आई, वो चीज ये समझ में आई कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदते हैं या ओके लाइफ से सामान खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पे सामान एमआरपी पे ना मिलके आपको यहाँ पे सामान इनकी प्राइस पे मिलता है। मार्केट में किस पे मिलता है? और यहाँ कितना मिलेगा? अगर 35 रुपए का साबुन मार्केट में है तो वहां 35 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन वही 35 रुपए का साबुन फ्री में रजिस्ट्रेशन कराने से आपको कितने का मिल रहा है? 25 रुपए। और वो साबुन नहीं है, वो कौन सा साबुन है उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 ग्रेड के साबुन आते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। आपको मालूम होगा, ट्रेनिंग आपने ले लिया तो आपको पता होगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना। लेकिन हमने डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, पहले हम लोगों को नहीं मालूम था। तो हम जितने भी लोग हैं, हम आज तक जिस साबुन से नहाए हैं, या तो थर्ड ग्रेड से नहाए हैं या फिर सेकंड ग्रेड से नहाए हैं, फर्स्ट ग्रेड से आज तक नहीं नहाए। और अभी गूगल कीजिए इस मीटिंग के बाद, फर्स्ट ग्रेड का 78% एफएम का साबुन मार्केट में 60 से 70 रुपए मिलता है। उसी क्वालिटी का साबुन ओके लाइफ केयर आपको 25 रुपए के अंदर देता है। अब इससे किसी पड़ोसी से पूछने की जरूरत है, किसी रिश्तेदार से पूछने की जरूरत है? 65-70 रुपए का जो पेस्ट आपको मार्केट में मिलता है, जिसमें आपका ओमेगा होता भी नहीं, वही पेस्ट जो है आपको हमारी कंपनी 45 रुपए के अंदर देगी। और हमारे मसाले थोड़े महंगे लग सकते हैं, क्योंकि हमारे मसाले सारे कोल्ड ग्राइंडिंग से तैयार हुए हैं। दो तरीके के मसाले मार्केट में आते हैं, एक जो हॉट ग्राइंडिंग से तैयार होते हैं और एक जो कोल्ड ग्राइंडिंग से तैयार होते हैं। हॉट ग्राइंडिंग से जो मसाले तैयार होते हैं, जब उनको मशीनों में पीसा जाता है, तो उसके जो नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं, जो एक्चुअल में जड़ी बूटी का काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक तरीके से दवाइयों का काम करते हैं, जिसकी जरूरत होती है रिक्वायरमेंट, उसका हमारे को काम करते हैं, वो सारा सोर्सेज खत्म हो जाते हैं। लेकिन कोल्ड ग्राइंडिंग से जब मसाले तैयार कर जाते हैं, तो जो नेचुरल सोर्स जो मसाले का होता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में मसाला खाना चाहिए, वो नेचुरल है। तो हमारे जो मसाले हैं वो ऑर्गेनिक भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, और USDA अप्रूव भी हैं हमारे जो मसाले हैं। तो दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनी और हैं जो वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करती हैं, ठीक है, वेट कंट्रोल के ऊपर काम करती हैं। कोई शेक बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कैप्सूल बेच रहा है, बहुत सारी कंपनियां चल रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। लेकिन जब उनका शेक लेती हो तो कुछ कंडीशन रखते हैं, कि वेट तो कंट्रोल होगा लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, कंडीशन अप्लाई। तो पूछते हैं क्या शर्तें हैं, तो बोलते हैं पहली शर्त है कि आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, ये जो क्या नाम है कहते हैं आपका छोले भटूरे और ये सब कुछ, थोड़ा सा जंक फूड हो गया, ऑयली, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। चलो एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन कहते हैं, दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मीठा खाना थोड़ा कम करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा। तो आदमी कहता है चलो ये भी मान लेते हैं, वेट कंट्रोल करना है ना, क्योंकि मेरे जैसा आदमी जब जाता है तो कई बार दिल पे चोट लगती है कि शोरूम पे कपड़े खरीदने जाते हैं, साइज के कपड़े नहीं मिलते। फिर आदमी को उस दिन लगता है कि आज जाऊंगा, और मैं फिर घर में आते हैं और सोचते हैं छोड़ क्या करना है, है ना, सामने चीज आ गई तो खाई ले। और एक बात ध्यान रखना, मोटापा एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार आ गई ना, तो मोटापे की बीमारी साथ में हार्ट की बीमारी सबसे पहले लेके आती है। कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसका मतलब हार्ट के आसपास जम रहा है, मैं भी उसी में हूँ, है ना। लेकिन अब हम क्या है, मेरा क्या है कि मैं खाना नहीं छोड़ सकता, मेरा क्या है कि मैं मीठा नहीं छोड़ सकता। तीसरी कंडीशन वो बताते हैं कि बिल्कुल पतले हो जाओगे, धीरे धीरे आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर डाइट पे कंट्रोल इंसान कर ले, अगर मीठा खाना बंद कर दे और एक्सरसाइज करे, तो किसी प्रोडक्ट की जरूरत है? ये तो अपने आप ही हो जाएगा, फिर उस प्रोडक्ट को खाने की जरूरत क्या है? हिंदुस्तान में ओके लाइफ केयर पहली कंपनी है
पूरी दुनिया की जो कार्ब कंट्रोल आपको दे रही है, और वो बोल रहे हैं अपने डाइट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मीठा जैसा खा रहे हो खाते रहो, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हमारा कार्ब कंट्रोल खाना शुरू कीजिए, आपका वेट नेचुरल तरीके से घटेगा। है कोई मोटा आपके? कोई भी नहीं है? सबसे पहले तो आप ही बैठे हो थोड़े से। ऐसा नहीं हो सकता कि रिश्तेदार पड़ोसी में कोई मोटा ना हो, बहुत लोग होंगे, तो इसका मतलब वो मेरा कस्टमर है। उसको अगर मैं सही तरीके से सजेशन दूंगा कि भाई मोटापा 50 तरीके की बीमारियों की निशानी है, आप हमारा कार्ब कंट्रोल खाइए, आपका वेट कंट्रोल होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को शुगर होगा, हमारा डाइट कंट्रोल आज तक दिया नहीं आपने, आप दीजिए उनको डाइट कंट्रोल, उनका शुगर कंट्रोल होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पाइल्स की बीमारी होगी सर, डॉक्टरों के धक्के खाते हैं, सालों से दवाइयां ले रहे हैं, आप हमारा पाइल्स का प्रोडक्ट दीजिए, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो गया, अभी बंद हो गया था, लोगों ने हाहाकार मचा दिया था, सर इतना डायनेमिक प्रोडक्ट था कैसे बंद कर दिया, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हर घर में, हर दूसरे घर में मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ज्वाइंट पेन घुटनों का दर्द है, हम लोग उनके पास बात ही नहीं कर रहे, उनके पास जा ही नहीं रहे, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा बिजनेस फ्री में आपके हाथ में आ गया जिसमें हर बीमारी के सप्लीमेंट है, उसकी ना एजुकेशन ले रहे हैं ना उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। तो पान पहला काम, अब दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि महीने में एक बार, वो अभी एक महीना चल रहा है, ये वाला महीना है, आप अकेले आए हैं, अगले महीने मान लो हम फिर आते हैं, या आप अपने साथ दो लोगों को ज्वाइन करा के ये सर्टिफिकेट दिलाने के लिए इसी मीटिंग में लेके आना। दुनिया का बहुत मुश्किल काम मैंने नहीं बताया आपको, कितने बोल रहा हूं, सिर्फ दो, बहुत सिंपल, बहुत इजी, पूरे महीने कुछ भी करो, सिर्फ दो, और जो स्पीड से करेगा तो और ज्यादा हो जाए, ज्यादा कितने भी ला सकते हो लेकिन कम से कम दो। अब जब उन दो लोगों को आप यहां लेके आएंगे, हमारी मीटिंग में लेके आएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक बार बताइए कि आज आप यहां पे आए हैं, आपको मीटिंग कैसी लगेगी? अब जिन दो लोगों को लाओगे उसको कैसी लगेगी? और जब उन दो लोगों से मैं सवाल पूछूंगा कि क्या आप 2,00,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो वो क्या बोलेंगे? यस। तो उनको मैं क्या बोलूंगा कि पहला काम क्या करना है? खरीदारी। वो कहेंगे सर हमने खरीदी। वो क्या बोलेंगे? 2,00,000 रुपए महीना कमाने की दूसरी कंडीशन क्या है कि अगली मीटिंग में आपको दो लोगों को लेके आना है। अब अगली मीटिंग में दो लोग वो लेके आएंगे, पहले महीने दो लोग, दूसरे महीने चार लोग, तीसरे महीने 8 लोग, चौथे महीने 16 लोग, करते करते एक साल के अंदर 4,096 लोग होते हैं, 2,000 इधर 2,000 इधर, 500 बिजनेस वालों की खरीदारी करते हैं, आपकी सेल जो होती है वो होती है तकरीबन 10 लाख बीवी, और आपका जो चेक आता है वो आता है 2,76,000 रुपए के आसपास। हम लोग पता क्या है, हम लोग उलझ जाते हैं बहुत सारी ट्रेनिंग और उन सब चीजों पर, हम हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, स्मार्ट वर्क में बिलीव। अब ये काम जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये काम एक महीने में किया जाए तो एक साल लगेगा, लेकिन यही काम अगर कोई एक हफ्ते में करना शुरू कर दे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन हम तो एक साल का लेके चल रहे हैं दोस्त। मैंने ऐसे ऐसे नेटवर्कर देखे हैं जिनको 5 साल 6 साल 7 साल हो गए हैं, आज 1,00,000 रुपए महीना भी नहीं आ रहा उनको, 1,00,000 छोड़ो 50,000 रुपए महीना नहीं आ रहा है। तो हम एक सिंपल काम जो आज तक हम पेपर पे दिखाते आए हैं, वही काम अगर हम इस तरीके से करना शुरू कर दें एकजुट होकर, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? यस सर। और मैं इन महत्वपूर्ण काम लास्ट में आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 प्रोडक्ट यूज करना है, कर सकते हैं। नंबर 2 मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आना है, आ सकते हैं। और नंबर 3 काम, जो भी रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी मिलता है उसको ओके लाइफ केयर के बारे में प्रोडक्ट को खाना है, मीटिंग में आना है, लोगों को ये 3 काम दोस्त आपकी नहीं आपकी आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी को सुरक्षित कर, क्योंकि आज अगर अजय शर्मा को कुछ हो जाए खड़े खड़े तो डॉक्टर कुमार गौरव झा बिजनेस छोड़ने वाले नहीं है। ये अपने 4,00,000 को चेक को 10,00,000 करने के लिए भाग रहे हैं, चाहे मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, ठीक है। दूसरी साइड में जो मेरे लीडर हैं जो 1,00,000 रुपए 80,000 रुपए 70,000 50,000 कमा रहे हैं, वो भी छोड़ने वाले नहीं है, वो भी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भाग रहे हैं। अगर अजय शर्मा को कुछ हो जाता है तो अजय शर्मा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट वाला भी काम नहीं छोड़ेगा और राइट वाला भी काम नहीं छोड़ेगा, वो अपनी इनकम को बड़ा करने के लिए भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो वॉल्यूम हमेशा रहेगा और मैं रहूं तो पैसा आएगा, अगर कल को मैं नहीं रहूंगा तो ये बिजनेस मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफर होगा और मेरे मरने के बाद भी पैसा फैमिली सिक्योरिटी। बहुत सिंपल काम है और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ आप काम कर रहे हैं, ऐसी लीडरशिप जल्दी से मिलती नहीं है, तो इनके साथ रहकर अगर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं तो कामयाब होना, प्रोडक्ट भी आपको ओरिजिनल मिल रहा है। अब मुझे एक बार बताइए कि पैसा कोई नहीं लगा,
प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल मिल रहा है, 20-40% एमआरपी से सस्ता मिल रहा है, कैसी बातें हैं तीनों। और चौथी बात, प्रोडक्ट यूज करने के बाद अच्छा लगता है, अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को अगर बताते हो तो क्या आती है जी, इनकम आती है। यही काम मैंने किया, यही काम आपको करना, कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट आपको किसी का नहीं? भाई दुकान चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काम शुरू होता है। अब आपको क्या करना है, जब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको प्रोडक्ट पे भरोसा हो गया, भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अब अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को ओके लाइफ केयर के बारे में समझाना है, बताना है, इस तरीके की मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर लेके आना। और यहाँ से एक्चुअल में आपकी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब क्या है, अब आप पब्लिक डीलिंग के काम में आ गए। आज तक पब्लिक डीलिंग के काम में नहीं थे, अब आप पब्लिक डीलिंग के काम में आ गए। और पब्लिक डीलिंग का काम सीखना पड़ता है ना, शिष्टाचार सीखना पड़ता है, लोगों से कैसे बात करनी है सीखना पड़ता है, सेल्समैनशिप क्या चीज होती है सीखना पड़ता है, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है ये सीखना पड़ता है, लोगों की हाँ को ना को हाँ में तब्दील करना सीखना पड़ता है, लोग ना बोले उसके बाद आपके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, उससे कैसे बाहर निकले, ये सब कुछ सीखना पड़ता है। और इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। आप अगर बाहर स्कूल में जाएंगे, जब मैंने 10th पास की थी तो सेल्समैनशिप का एक मेरे को वो क्या नाम है अपना सब्जेक्ट मिला हुआ था, उसके अंदर यही सिखाया जाता है कि सेल्स की टेक्निक्स कैसे हो, स्पेशल पढ़ाया जाता है कि किसी भी सामान को बेचना, और वो आपने पढ़ी नहीं है तो आप क्या करते हैं, जब इस बिजनेस में आते हैं तो जल्दबाजी में 2-4 लोग जब आपको मना करते हैं, आप इस बिजनेस को छोड़ने का मन बना, तो अब करना क्या है। इस बिजनेस में आप सब लोग आ गए, तकरीबन सभी लोग ज्वाइन हैं। अगले एक साल में मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो चीजें अब 4-5 में आपको बता के जा रहा हूँ, अगर अगले एक साल तक आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सबका चेक कम से कम 2 लाख रुपए महीना होगा। देखिए, इस बिजनेस की सबसे पहली जो ताकत है, पहली चीज मैं आपसे पूछूं, मैंने बोल तो दिया कि 2 लाख रुपए महीने तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पूछना जरूरी है कि 2 लाख रुपए कमाना भी चाहते हैं? पानी पी दो, ये पूछना भी तो जरूरी है। एक आदमी तो 10,000 भी संतुष्ट है, वो कह रहा है मेरी जिंदगी 10,000 में ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी बोल के गए थे संतोष से सदा सुखी, तो मैं तो ज्यादा चाहता ही नहीं हूँ। और क्या ही कोई ये गलत फहमी रहती है कि ज्यादा पैसे आने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये भी गलत फहमी है लोगों की, ये भी सिखाया गया, हमारे माइंड में डाला गया है कि ज्यादा पैसे की तरफ देखना बंद करो, क्योंकि उनको मालूम था हमारे बड़े बुजुर्गों से ज्यादा पैसा तो कमा नहीं सकता, तो कुछ ऐसे डायलॉग बोल दो उसका माइंड सेट हो जाए। तो पहली चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाकई दिल से पैसा कमाना चाहते हो? चाहते हो? यस, ऐसी बोल दो कि बाहर तक जाए, चाहते हो? ताली हो जाओ, जरूरी, क्योंकि एक चीनी कहावत में अपनी हर मीटिंग में समझाता हूँ, बोलता हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप समझना कि 10 लोग जबरदस्ती एक घोड़े को पकड़कर तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन वो 10 लोग उस घोड़े को जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। पानी तो घोड़ा जब ही पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। तो इसी तरीके से कोई व्यक्ति इस बिजनेस में जबरदस्ती आपको ज्वाइन तो करा सकता है, जबरदस्ती रिश्तेदारी दोस्त पड़ोसी का हवाला देके यहां तक ला तो सकता है, लेकिन वो इंसान जबरदस्ती आपको कामयाब नहीं बना सकता। कामयाब जब ही होंगे जब चाहत आपकी। मेरी चाहत थी तो मुझे 7 लाख रुपए महीना आ रहा है, मेरी चाहत नहीं होती तो दुनिया की कोई ताकत मुझे 7 लाख तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं कमाना नहीं चाहता। तो क्यों हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी खुद की अंदर से चाहत, हम हिम्मत हार चुके हैं, हम सोचते हैं बस यही जिंदगी है। बाहर निकल के देखो दोस्त, आपके जैसा एक इंसान जो है 1.5 करोड़ की जगुआर गाड़ी में घूम रहा है, वो आपके जैसा इंसान है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, 2 लाख पहुंचने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगले एक साल तक लगातार। अच्छा, नौकरी में अगर आप जाते हो, जैसे भाई साहब आप नौकरी कर, कौन से नौकरी जो करते हैं, जो जी क्या कहाँ नौकरी करते हैं भाई साहब? टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है जी। अच्छा, सैलरी किस बात की मिलती है आपको? हाजिरी लगाऊंगा, कुर्सी पे बैठूंगा, गाने सुनूंगा और चला जाऊंगा, तनख्वाह मिलेगी। आप क्या करते हैं सर? टीचर। आप भी टीचर हैं तो सेम हो गया आपका भी। आप क्या करती मैडम? अच्छा, क्या काम का आपको सैलरी मिलता है? मतलब पेपर इधर उधर पहुंचाने होते हैं। अब कल आप जाके बोलना कि जो काम आप बोल रहे हो वो नहीं करूंगी मैं, क्या होगा? सैलरी नहीं मिलेगी। चलिए, आप क्या करते हैं सर? ट्रेडर्स मार्केट है, व्यापार व्यवसाय, ट्रेडर्स मार्केट।
किस चीज की मार्केटिंग? बिल्डिंग मटेरियल आउट एंड आउट। अच्छा अच्छा, अब बिल्डिंग मटेरियल का सामान देने से, रखने से, टेंट का सामान रखने से, देने से पैसा आता है? कल को पूरे उस पर ताला मार के घर बैठ जाओ, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। बैठिए, कोई स्टूडेंट बैठे? हाँ पीछे बेटा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? SSC की तैयारी। माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, पूरे साल पढ़ाई नहीं करनी। क्या हुआ? पढ़ने के लिए भेजेंगे भी नहीं। बैठ जाओ, इसका मतलब सबको मालूम है ना, बेसिक चीज सबको मालूम है ना, अगर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा तो नौकरी में जो बोला गया वो काम नहीं करोगे तो तनखा, और बिजनेस में अगर दुकान में करोड़ों रुपए का सामान भरने के बाद उसको बेचोगे नहीं तो ओके। लाइफ केयर में क्या ताली बजाने से पैसा है? कि मीटिंग में आओ बैठो, ताली बजाओ चले जाओ, करोड़ों रुपए आपके घर में। जूम मीटिंग में आओ सुनो बैठ के और चले जाओ। बाबा रामदेव का सवेरे प्रोग्राम आता है 4 बजे टीवी, योगा सिखाते हैं वो, तो कुछ लोग योगा करने के लिए मेरे जैसे आदमी बैठ जाते हैं टीवी के सामने। तो बाबा जी बोलते हैं पेट कम करना है, हम कहते हैं हाँ करना है, ठीक है अब ये करवा लो, विलोम करूंगा बस ये नहीं करूंगा। तो बाबा जी बीच बीच में याद दिलाते हैं, क्या कहते हैं, बेटा करने से होगा। आदमी चलती है बाबा जी, कहते करने से होगा, करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इस बिजनेस में सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, करने से होगा। बात समझ में आ रही सर? तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर वाकई 2 लाख रुपए हमारी तरह अगर 4 लाख 7 लाख रुपए महीने तक पहुंचना चाहते हो तो पहला काम जो हमने किया वो आपको करना है, और जो आप बचपन से करते आ रहे हो दोस्त और सारी जिंदगी करोगे, चाहे ओके लाइफ केयर करो या ना करो, वो क्या काम क्या है, ओके लाइफ केयर कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। आज कसम खा लीजिए, कोई डायरी पेन लेके बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, आज कसम खा लीजिए अपने दिमाग में कि आज के बाद मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट आएगा, लोग जुड़े ना जुड़े बाद में बात करेंगे कैसे जुड़ना है, आज के बाद जो भी प्रोडक्ट मेरे घर में आएगा वो ओके लाइफ केयर का आएगा, अगर ओके लाइफ केयर में है तो, अगर नहीं है तो बाहर से। गुब्बारे नहीं है तो हमने बाहर से लाके लगाए ना भाई, वो बाहर से ही आएगा, लेकिन जो है वो कहां से आएगा? कसम खा सकते हैं? यस। जो लोग कामयाब होंगे, पहली चीज बता देता हूँ मैं, वो बताता हूँ कि आज तारीख हो गई है 15 और हमारी कंपनी ने एक बहुत शानदार ऑफर भी निकाला हुआ है। वो ऑफर क्या है कि 2000 रुपए का सामान, ऐसी कोई दुकान पूरी दुनिया में नहीं है कि 2000 रुपए का सामान 6 महीने तक लगातार खरीदोगे, 7वें महीने में 2000 MRP का सामान कंपनी आपको बिल्कुल फ्री देगी। अब देखिए ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है 20-40% सस्ता मिल रहा है, और 6 महीने तक 2000 का सामान खरीदो, 7वें महीने में 2000 MRP का सामान फ्री मिल रहा है, तो लूट लिया ना हमने तो कंपनी को। और दूसरा जो कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, 5000 का सामान 6 महीने तक लगातार खरीदो, 7वें महीने के अंदर आपको 10000 रुपए का सामान MRP का बिल्कुल फ्री। तो हमारे इस बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो सबसे पहला काम है वो क्या है, प्रोडक्ट परचेज करना। ताली बजाने का पैसा नहीं मिलता यहाँ पे, मोटिवेशन देने का पैसा नहीं मिलता यहाँ पे, जूम मीटिंग में बैठने का है, जूम मीटिंग करने का पैसा नहीं मिलता। पैसा मिलता है आपने कितनी टीम बनाई है, उस टीम में कितने लोगों ने सामान खरीदा, सामान खरीदने का पैसा मिलता है। तो आज 15 तारीख हो गई, आज कंसिस्टेंसी ऑफर का लास्ट दिन है, अगर आपने कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं लिया तो आज ही जाके अपने कंसिस्टेंसी ऑफर को पूरा करना है। लेकिन उससे भी कम मैं मानता हूं जो हम पहले करते थे, कि कम से कम 500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान, इतना तो हर आदमी को खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। अब एक बार बताइए, मैं ओके लाइफ केयर में आ गया हूं, मैं अपने बाथरूम में, आप देखना आज घर जाके सब अपने बाथरूम को चेक करना, आज है ना, आपको पता लग जाएगा, घर को चेक करना आपको पता लग जाएगा आपका ओके लाइफ केयर चलेगा या नहीं चलेगा। पहला काम, आप रसोई में जाना तो रसोई में जाके देखना मसाले कहां रखे, और सबसे पहले चेक करना कौन सी कंपनी के, अगर ओके लाइफ केयर के हैं तो टिक लगा देना, आप कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं है तो कांटा मारना ईमानदारी से। फिर जाना आप क्या नाम है उसमें, देखना राइस ब्रेन ऑयल रखा होगा घर में, या कोई तेल खाना बनाने का रखा होगा, आप देखना कौन सी कंपनी का आ रहा है, अगर फॉर्चून का आ रहा है तो पैसा कौन देगा, फॉर्चून वाला देगा, हम नहीं देंगे। तो मसाले MDH के रखे हैं तो बाबा जी तो निकल गए, उनके उत्तराधिकारी कह रहे हैं MDH वालों के, उनसे आप मांग सकते हैं। वॉशिंग पाउडर देखना कौन सी कंपनी का रखा है, नहाने का साबुन देखना कौन सी कंपनी का रखा है, पेस्ट देखना कौन सी कंपनी का रखा है, फेस वॉश देखना कौन सी कंपनी का रखा है, शैम्पू देखना कौन सी कंपनी का रखा है, ये ईमानदारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अपनी हर मीटिंग में एक बात बोलता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, 2 लाइन आपको कामयाब बना सकते हैं, मेरे साथ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बुलाऊं आपको, मैं एक शब्द बोलूंगा मेरे पीछे पीछे आपने 3-4 बार वो बोलना 23 दिन, आपको समझ में आ जाएगा ये बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाएगा।
तैयार है? चलिए बोलिए। मेरा बिजनेस, मेरा बिजनेस, मैं मालिक, मैं मालिक, मेरा बिजनेस, मेरा बिजनेस, मैं मालिक, मैं मालिक, मेरा बिजनेस, मेरा बिजनेस, मैं मालिक, मैं मालिक। बिजनेस किसका है? मेरा। अब हलवाई अपनी ही दुकान की मिठाई नहीं खाएगा तो शक तो पैदा होगा। अब एक हलवाई आपके यहाँ का बहुत बढ़िया, और आपने मिठाई दी, हलवाई को बोल भाई साहब आप भी खा लो, नहीं नहीं भाई मैं अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, क्या होगा? शक होगा। हम वो हलवाई हैं जो अपनी दुकान की मिठाई खुद नहीं खा रहे, और हम कहते हैं हमें पैसा नहीं आ रहा। तो सबसे पहला काम क्या है? रीपर्चेज। अब देखिए, अगर आप परचेज नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए, 2 लाख छोड़िए, 2000 भी नहीं आएगा। तो अभी अभी बुलाते ना। तो पहला काम क्या है? खरीदारी करना। अब जो ओके लाइफ केयर में, ओके लाइफ केयर में आने के बाद खरीदारी नहीं कर रहा है, ये उसी तरीके से है कि जिस काम के लिए आपको नौकरी पे रखा गया आप वही काम नहीं कर रहे, तो वहां भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ निकालने वाला कोई नहीं, यहाँ अपने आप निकलेंगे। ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज, 12 महीने के अंदर मैं आपको 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचाऊंगा, उसकी पहली कंडीशन ये है कि आपको हर महीने कम से कम 500 बिजनेस वॉल्यूम का आपको सामान खरीदना। तैयार हैं? क्योंकि कितने लाख रुपए महीना कमाना है? 2 लाख। 2 लाख रुपए महीना अगर नहीं कमाना चाहते, फिर जिस्म की कंपनियां खरीदो, अपने को फर्क